क्लियर हो गया होगा। कहता है रेशियो ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला प्लांक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, द रेशियो ऑफ द डायमेंशनल फार्मूला प्लांक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया इज द डायमेंशन ऑफ। तो प्लांक्स कांस्टेंट निकालो और मोमेंट ऑफ इनर्सिया निकालो और दोनों को डिवाइड करो, देखो किसके साथ मैच करता है। मोमेंट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट ई इज इक्वल टू क्या होता है बोलो, एच न्यू, तो यहाँ से एच की जो है ई अपन न्यू मिल ला, और ई का हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस टू, और यह अगर टी की पावर माइनस वन तो यह आ जाएगा एम एल स्क्वायर टी की पावर ए माइनस वन, ठीक है। ये आ गया प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला। मोमेंट ऑफ इनर्सिया क्या होती है, एम आर स्क्वायर होता है, मास का हो गया एम और ये आ जाएगा एल का स्क्वायर। अब क्या करना है, रेशियो लेना है, द रेशियो ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्सिया, मतलब इसमें इसको डिवाइड कर दूँ, मतलब एच अपन आई निकालूँ, तो एच अपन आई एम एल स्क्वायर टी की पावर माइनस वन और ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर का मतलब टी की पावर माइनस वन। टी की पावर माइनस वन क्या होता है भैया, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी, तो बी ऑप्शन सही है, ठीक है। चलो रे भाई।